हे गाइस, वेलकम बैक टू केमिस्टाइजर्स। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 यानी नोबल गैसेस का बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सारा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो कि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा मोस्ट अबंडेंट गैस है और कौन सा ऐसा गैस है जो कि एटमोसफेयर में नहीं पाया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोसफेयर और गैस नॉट फाउंड इन एटमोसफेयर। अब मोस्ट अबंडेंट गैस क्या है? वो है आर्गन। और नॉट फाउंड इन एटमोसफेयर यानी कौन सा गैस जो है जो कि रेडियो एक्टिव है। कौन सा गैस है आप लोगों को पता है? रेडॉन है, ठीक है। और आर्गन को हम लोग 3s2 3p6 से लिखते हैं और रेडॉन को 6s2 6p6 से लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली जेई और नीट पे पूछ लेगा तो आप लोग को डायरेक्टली याद रखना होगा कि ये आर्गन होगा और ये रेडॉन होगा। ये तो बहुत लोगों को याद होता है कि रेडॉन होगा, लेकिन ये वाला पार्ट आप लोग भूल जाते हैं, ये याद रखिएगा कि ये आर्गन होता है, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि नोबल गैसेस फॉर्म प्लेथरेट कंपाउंड्स एक्सेप्ट HE and NE। आप लोग पूछेंगे क्लैथरेट क्या होता है, ये तो अजीब सा शब्द है। इसका मतलब होता है क्लैथरेट मतलब वॉइड में फंस जाते हैं, ठीक है। वॉइड में फंसना मतलब जैसे जैसे H2O हो गया, वो सॉलिड में फंस जाता है, H2O इन सॉलिड, ठीक है। तो उस टाइप से ये गैसेस होते हैं, तो ये कोई भी सॉलिड में फंस जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है? एच ई और एनी का। ये क्यों नहीं फंसते? क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ठीक है। ये क्लैथरेट कंपाउंड्स नहीं बनाते, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हीलियम का ही है। तो एच ई हैज स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कितना होता है? 4.2 केल्विन, ठीक है। ये आप लोग डेटा, ये वाला पार्ट याद रखेंगे, कितना स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 4.2 केल्विन, ठीक है। और बिलो 2.2 केल्विन इट बिहेव्स लाइक सुपर फ्लूइड, ठीक है। अब सुपर फ्लूइड क्या होता है? सुपर फ्लूइड वो होता है लिक्विड्स विथ गैसेस लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सुपर फ्लूइड उसको बोलते हैं जो लिक्विड जिसमें गैसेस का प्रॉपर्टी होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो HE जो है यानी हीलियम जो है वो 2.2 केल्विन के नीचे आते ही वो सुपर फ्लूइड बन जाता है, और उसका ऐसे स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 4.2 केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो होता है ये 2.2 केल्विन में सुपर फ्लूइड बन जाता है, तो करता क्या है? तो बिलो 2.2 केल्विन इट क्लाइम्स थ्रू द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड कम्स आउट, ठीक है। इससे आप सुपर फ्लूइड को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही 2.2 केल्विन के नीचे आ जाता है, ये जो कंटेनर में रखा होता है उसके वॉल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग इसका एटॉमिक साइज देख लेते हैं। एटॉमिक साइज का तो सबसे कम होता है HE का, फिर NE, फिर AR, फिर क्रिप्टन ज़ेनन और फिर रेडॉन, ठीक है। ये एटॉमिक साइज का डेटा है, ये तो नॉर्मल सा, ये आप लोग को ग्रुप प्रॉपर्टीज में याद होगा। इसके बाद है कि नोबल गैसेस का कंपाउंड कैसे बना था, याद कीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि नील बार्टलेट वो पहला कंपाउंड बनाया था, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते कि कैसे बनाया था। नील बार्टलेट वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड
कंपाउंड्स ऑफ एक्सी, ठीक है। अब उसको कैसे पता चला था कि कंपाउंड एक्सी का बनेगा, वो इस कंपाउंड को ऑब्जर्व किया था, किस कंपाउंड का, ओ टू पी टी एफ सिक्स को, ठीक है, ओ टू पी टी एफ सिक्स को है। कैसे, ये देख रहा था कि ओ नॉन मेटल होके भी ये कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैटायन के फॉर्म में ही है ना, तो नॉन मेटल होते हुए भी कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए, तो फिर इसके वजह से एक्सी को भी बनाना चाहिए। तो इसमें ये फर्दर इसके स्टडी किया, इसमें ओ टू प्लस और पी टी एफ सिक्स माइनस के फॉर्म में ये कैटायन बना रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे जो ओ टू है, ओ टू प्लस और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये डेल्टा नॉट डेल्टा एच नॉट वन है, ठीक है, और एक्सी जो है वो एक्सी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, और इसको टू और इसको डेल्टा एच नॉट टू मान लेते हैं। तो इसमें पता चला था कि उसने ऑब्जर्व किया था कि डेल्टा एच नॉट वन लगभग लगभग इक्वेलेंट है डेल्टा एच नॉट टू के। तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइज आता है, इसका मतलब आता है कि एक्सी इज ऑल्सो कैपेबल, एक्सी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ठीक है, ये क्लियर आप लोग को। ओ टू से जो डेल्टा एच वन निकला और एक्सी से जो डेल्टा एच टू निकला वो लगभग लगभग इक्वल आ रहा था, तो उसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि एक्सी भी कंपाउंड बनाना चाहिए। तो वो सेम प्रोसेस फॉलो करा और उसको यूज किया टू पी टी एफ सिक्स को, और उसने बना दिया पहला कंपाउंड ज़ेनन का और नोबल गैसेस का, वो था इस फॉर्म में, ठीक है, एक्स सी एफ प्लस पी टी टू एफ इलेवन माइनस वन, और ये था फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एक्सी, या कहे तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। तो ये नील बार्टलेट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आप लोग ये वाला पार्ट याद रखिए कि उसको किस किस कंपाउंड से हिंट मिला था कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाएगा, वो है ओ टू पी टी एफ सिक्स, और उसमें डेल्टा एच वन एच टू के इक्वल आ रहा था इसलिए वो इसको प्रूव कर पाया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी मैथ्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।